आगाही वाक में असिस्टेंट कमिश्नर सायरा उमर समेत जिले इंतजामिया के अफसरान, रजाकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पोलियो आगाही वाक उस वक्त लोगों की तवज्जा का मरकज बन गई जब डीसीओ ने पोलियो के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार करते हुए और रजाकारों की हौसला अफजाई के लिए खुद साइकिल चलाई। उनका कहना था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ 2 बूंदें वैक्सीन पिलाकर उन्हें उम्र भर की मजदूरी से बचाया जा सकता है। हर पाकिस्तानी पे ये फर्ज है कि अगर उनके बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं, ये नेशनल कैंपेन है जो कि 15 से 17 तक है पूरे पाकिस्तान में, तमाम अजला में, हर घर में पोलियो की टीमें जाएंगी तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि इस मुजी मर्ज का जो है ना हम मुकाबला करें। वाक में शुरका का जोशो जज्बा दीदनी था और वो पोलियो का खात्मा कल नहीं आज के नारे लगाते रहे। शहरियों का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। इतने भी ऐसे लोग हैं जो मजदूर है, चल नहीं सकते, उन तक आगाही है कि वो आने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए उन्हें फांसी टीके लगवाएं तो पोलियो का खात्मा हो सके। अगर इस तरह के हम आगाही के अवेयरनेस के प्रोग्राम करें तो हम पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं कि अगर हम सब लोग मिलके काम करें तो हम पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा कर सकते हैं। जिले इंतजामिया की जानब से पोलियो के खात्मे के लिए इकदाम अपनी जगह, ताहम आवाम को भी पोलियो के खिलाफ मुहिम में हुकूमत का साथ देना होगा। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42।